दोस्तों ये है वीवो का वीवो जेड वन एक्स स्मार्टफोन। इस वीडियो में हम इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आपको 15,000 की प्राइस में इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ये मैंने फ्लिपकार्ट से 15,000 रुपये में दोस्तों परचेज किया है। 15,000 में दोस्तों मैंने 10% का डिस्काउंट भी लगाया था और इसे परचेज किए हुए दोस्तों मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। देखिए दोस्तों मेड इन इंडिया लिखा गया है और बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये फैंटम पर्पल कलर में 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें इसमें कवर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं कवर की क्वालिटी दोस्तों अच्छी है और इसमें सिम इजेक्टर देखने को मिल जाता है। साथ में हमें इसी में ही डाटा केबल देखने को मिलती है। देखिए आप कवर की क्वालिटी अच्छी है, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड कवर है। और दोस्तों हमें इसी में ही डाटा केबल देखने को मिल जाती है। देखिए आप ये टाइप सी डाटा केबल दी गई है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव क्वालिटी लगी इसकी। आप देख सकते हैं क्लोजअप लुक, देखिए वाइट कलर में हमें दोस्तों ये मिलती है, वीवो लिखा गया है USB वाले पोर्ट पर। और दोस्तों हमें फाइनली मोबाइल देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें हमें इनबॉक्स ईयरफोन्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए थम्स अप है वीवो को, तो देख सकते हैं आप। और दोस्तों अगर ईयरफोन की क्वालिटी की बात करूँ तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे दोस्तों हमें पहले वीवो के फ़ोन में ईयरफोन्स देखने को मिलते थे वैसे ही ईयरफोन्स हैं दोस्तों ये। देखिए आप ये देखिए इस टाइप से हमें हेडफोन जैक की क्वालिटी मिल जाती है और ये हमें बटन देखने को मिल जाता है इसमें, और इसी में ही रिसीवर दिया गया है। और दोस्तों इसमें हमें 22.5 वॉट का चार्जर दिया गया है, देखिए आप। और दोस्तों आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 5V 2A, 9V 2A और 10V 2.25A। तो देख सकते हैं आप दोस्तों काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और दोस्तों डिवाइस फुल चार्ज होने में 90 मिनट के आसपास लेता है, तो आप चार्जिंग को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, काफ़ी जल्दी चार्ज करेगा ये डिवाइस को। तो दोस्तों फाइनली हम फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं और ये फ़ोन हमें इस टाइप से देखने को मिल जाता है। देखिए आप मैं इस रैपर को हटा लेता हूँ और दोस्तों ये पावर बटन दब चुका है तो फ़ोन स्टार्ट हो गया है। देखिए आप वीवो लिखा गया है पावर बाय एंड्रॉयड और ये फ़ोन बूट अप हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये 15,000 के बजट में खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों अभी 15,000 की रेंज में रियलमी 6 और रेडमी नोट 9 प्रो और भी काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन में मोबाइल आ रहे हैं, लेकिन ये जो दो हाईलाइट स्मार्टफोन्स हैं रियलमी 6 और रेडमी नोट 9 प्रो, तो इनके कंपेरिजन में ये डिवाइस दोस्तों थोड़ा ओल्ड हो चुका है और इसमें 6GB 128GB हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अगर अभी के टाइम की मैं बात करूँ तो आपको ये डिवाइस नहीं खरीदना चाहिए, आपको रियलमी 6 पर जाना चाहिए। दोस्तों उसमें हमें 30W की चार्जिंग मिलती है, साथ में हमें उसकी प्राइस 14,000 देखने को मिलती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है वो इसके कंपेरिजन में। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 712 देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा नया प्रोसेसर नहीं है, थोड़ा ओल्ड हो चुका है। दोस्तों 700 सीरीज के प्रोसेसर्स की बात की सीरीज आ चुकी है, ये 712 पर बेस्ड है। तो दोस्तों 730G 720 भी दोस्तों आ चुके हैं मार्केट में और अभी वही चल रहे हैं इस प्राइस रेंज में, तो आप रियलमी 6 पर जाएं। और अगर आपको रियलमी 6 नहीं मिलता है या आपको Xiaomi के फ़ोन पसंद है तो आप Redmi Note 9 Pro Max या फिर Redmi Note 9 Pro पर भी जा सकते हैं। Note 9 Pro में दोस्तों हमें चार्जर इससे कम रेटिंग का देखने को मिलता है और Realme 6 में इससे ज़्यादा रेटिंग का चार्जर है। दोस्तों उसमें 30W का चार्जर है और Note 9 Pro में 18W का चार्जर है। तो दोस्तों आपको जो कंपनी पसंद हो आप उस कंपनी का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसकी बात करूँ तो 6 128GB मॉडल आपको 13,500 रुपये में अगर मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी फ़ोन स्टॉक में नहीं दिख रहा है और अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप इसे 13,500 में परचेज कर सकते हैं 10% का डिस्काउंट लगाकर, अगर इसकी प्राइस 15,000 रुपये आ रही हो तो। दोस्तों इसकी प्राइस 15,000 रुपये आ रही थी और मैंने इसमें 10% का डिस्काउंट लगाकर इसे परचेज किया था, तो फाइनली मुझे 13,500 का मिला है। तो दोस्तों आप इसे खरीद सकते हैं 13,500 में अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो। अंडर 15,000 के बजट में दोस्तों मैं कहूँगा कि ओवरऑल ठीक फ़ोन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा दोस्तों ये पुराना हो चुका है फ़ोन आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड टाइम्स में बहुत सारे स्मार्टफोन आ जाते हैं आजकल मार्केट में, तो उस हिसाब से इस फ़ोन को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, इसको ऑप्शनल ही रखेंगे दोस्तों। तो अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इस पर जा सकते हैं, बाकी आप Realme 6 अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें अंडर 15,000 के बजट में और Redmi Note 9 Pro Max सेकंड प्रायोरिटी रखें दोस्तों।
और दोस्तों अगर इसके कैमरा सैंपल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग कंडीशंस में क्लिक किए हुए फोटो हैं दोस्तों, तो कैमरा के मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं है इस स्मार्टफोन से। लेकिन वही दोस्तों मैं बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको रियलमी 6 और नोट 9 प्रो आउट ऑफ स्टॉक दिखते हैं तो आप इस पर जा सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।